हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको क्रोशिया चलाना बताएंगे और उसमें हम आपको हाफ क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया और डबल क्रोशिया ये बताएंगे। ये कैसे बनाए जाते हैं, हाफ क्रोशिया कैसे बनाया जाता है, सिंगल क्रोशिया कैसे बनाया जाता है, डबल क्रोशिया कैसे बनाया जाता है। देखिए, तो सबसे पहले हम देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम एक नोट लगाएंगे, ऊन को ऐसे किया और इसमें बीच में उनके ऊन को निकाल के ये ऐसे खींच लिया। अब ये हमारी लिए क्लेम बन के कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे हम क्लेम बनाना सीखेंगे कि चैन कैसे बनाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, क्रोशिया ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे क्रोशिया पकड़ा और इस हाथ से ऊन लपेटेंगे, इस उंगली में ऐसे ऊन लपेटी, इसे ये इसे पकड़ा ऊन को और पीछे होके इस ऊन को हुक में फंसाएंगे, ऐसे हुक में फंसा के और इस मुंह के निकालेंगे। देखिए दोस्तों, मैं दोबारा बताती हूँ। इस ऊन को ऐसे पकड़ा, इसको पीछे होके घुमाया, हुक में फंसाया और इसमें बाहर निकाल लिया। दोबारा ऊन को पीछे से घुमाया, हुक में फंसाया, इस चैन में होके बाहर निकाल दिया। देखिए फिर से ऊन को फंसाया हुक में और चैन में होके बाहर निकाल लिया। अब ये हमारी चैन बन रही है। देखिए ये जो है वो हमारी चैन बनकर कंप्लीट हो रही है। देखिए अब हमें जितनी भी लंबी चैन लेनी है उतनी लंबी हम चैन ले लेंगे। अभी मैं आपको बता रही हूँ तो मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी इसे। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 7 चेन मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है। देखिए दोस्तों, ये 7 चेन। अब मैं एक लास्ट बार फिर बताती हूँ आपको। क्रोशिए को ऐसे पकड़ा, ये मैंने 10 नंबर का क्रोशिया लिया है, इसको ऐसे पकड़ा है मैंने, राइट हैंड से मैंने ये ऊन को पकड़ा है। देखिए इस उंगली में ऐसे ऊन को लपेटा, बीच वाली उंगली और इससे मैंने ये पकड़ा और पीछे से इस हुक में फंसा के और बाहर निकाल दिया। ये देखिए ऐसे करते करते हमारी जितनी लंबी हम चैन लेना चाहते हैं उतनी लंबी चैन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसे हम टर्न कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये हमारी चैन हो गई। ठीक है, अब हम सिंगल क्रोशिया कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो देखिए क्रोशिए को ऐसे पकड़ा है मैंने, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप वैसे पकड़ सकते हो। मैं शुरू से ही ऐसे ही पकड़ती हूँ, मैंने वैसे ही पकड़ा है। ये मैंने 10 नंबर का क्रोशिया लिया है। अब ये जो हुक है, हम इस बगल वाली जो चैन है, देखिए इस बगल वाली चैन में डालेंगे। ठीक है, बगल वाली चैन में डालने के बाद उनको ऐसे फंसाएंगे और एक फंदा ऐसे बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अब फिर उनको फंसाएंगे और ये दोनों फंदे जो हैं, दो चैन है हमारी, उसे बाहर निकाल देंगे। अब हमारे पास लास्ट में एक फंदा या चैन रह गई।
देखिए दोबारा बताती हूँ सिंगल क्रोशिया कैसे करते हैं। ये हमारा हो गया है। अब ये बगल वाली जो चैन है, ये बगल वाली जो चैन है, इस बगल वाली चैन में मैं इस क्रोशिए को डालूंगी, ऊन को हुक में फंसाऊंगी और एक फंदा बाहर निकालूंगी, फिर ऊन को फंसाऊंगी और फिर दोनों फंदे बाहर निकालूंगी। ये सिंगल क्रोशिया है। सिंगल क्रोशिया ऐसे ही करना है हमें, कि पहले क्रोशिए को चैन में अंदर डालना है, चैन के अंदर डालने के बाद ऊन को हुक में फंसाना है, फिर एक फंदा निकालना है, फिर ऊन को हुक में फंसाना है और फिर दो फंदे या दो चैन बाहर निकालनी है। देखिए फिर से एक बार देखिए, इसे हम ऐसे चैन में फंसाएंगे। चैन में फंसाने के बाद, सॉरी 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 गलत हो गया, ये देखिए इसको ऐसे नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसे इसमें फंसाएंगे और इसे बाहर निकालेंगे, फिर दोबारा दोनों बाहर निकालेंगे। हमें जब सिंगल क्रोशिया करना हो तब हमें ऐसे नहीं करना है, सिंगल क्रोशिया डायरेक्ट इसमें अंदर जाएगा, जो हमारी चैन है उसमें, चैन में अंदर जाएगा और फिर जाके इसे ऐसे करना है, फिर एक फंदा बाहर निकालना है, फिर दोबारा ऐसे फंसा के इसे दोनों को बाहर निकालना है। तो ये देखिए हमारी चैनें बनकर तैयार हो रही हैं। देखिए ये सिंगल चैनें हैं, इनको हम सिंगल चैनें बोलते हैं। यह हमारा सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गया है। सिंगल सिंगल क्रोशिए के देखो ऊपर ये चैनें बनती जा रही हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आपको नहीं आया हो तो आप कमेंट्स में जाकर बोल सकते हैं, तो मैं आपको दोबारा फिर से बताऊंगी। देखने बनाना वैसे आसान है, एक बार में ही आ जाता है, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस एक दो दिन प्रैक्टिस करनी होती है इन चीज़ों की, फिर ये अपने आप आ जाता है। देखिए दोस्तों अब ये सिंगल क्रोशिया हमारा पूरा हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि डबल क्रोशिया कैसे बनता है। अब देखिए दोस्तों मैं इसी के ऊपर आपको डबल क्रोशिया निकाल के बताती हूँ कि डबल क्रोशिया कैसे बनता है। अब इसको मैंने टर्न कर लिया है, अब हम तीन की चैन लेंगे। सबसे पहले हमें, जब भी हमें क्रोशिया बनाना हो डबल सिंगल या हाफ, हमें तीन की चैन लेनी है, तो हम तीन की चैन लेंगे, एक दो तीन। तीन की चैन लेने के बाद, यह हमने तीन की चैन ले ली है, अब इसकी बगल वाली जो चैन है हमें उसमें डबल क्रोशिया बनाना है। अब डबल क्रोशिया कैसे बनता है देखिए, पहले ऊन को पीछे की तरफ करेंगे, सिंगल में हमने डायरेक्ट हमने इसी में डाली थी, डायरेक्ट डाली थी, अब हम जब हमें पता है कि ये सिंगल नहीं है डबल है, तो हमें पीछे की तरफ घुमा के लेना है, ऊन को हुक में फंसाना है, फिर ये क्रोशिया जो हमारा क्रोशिया है उस क्रोशिए को चैन में डालना है। चैन में डालने के बाद फिर इसे ऊन को हुक में फंसाना है और फिर
इसे एक बार बाहर निकालना है, फिर उनको हुक में फंसाएंगे। प्रिय दो दो ट्रेनों को बाहर निकालेंगे, अभी लास्ट में हमारी दो बची है, फिर इसको हुक में फंसाएंगे और इन दो ट्रेनों को बाहर निकालेंगे। देखिए मैं फिर से आपको बताती हूँ, उनको ऐसे किया, ठीक है, चैन में डाला, ये क्रोशिया चैन में डालेंगे, फिर उनको ऐसे ही करेंगे। देखिए फिर क्रोशिए को चैन से बाहर निकालेंगे, चैन से बाहर निकालने के बाद अब हमारे ये तीन तीन फंदे हैं यहाँ पर, फिर इसको उनको हुक में फंसाएंगे और दो चैन बाहर निकालेंगे। दो चैन बाहर निकालने के बाद फिर इसे हुक में फंसाएंगे और दो चैन बाहर निकालेंगे। देखिए दोस्तों मैं फिर से आपको बताती हूँ, इस हुक को ऐसे क्रोशिए में, ये जो क्रोशिए का हुक है इसमें फंसाएंगे, फंसाने के बाद ये जो चैन है इसमें क्रोशिए को डालेंगे और फिर ऊन को हुक में फंसाएंगे, फिर क्रोशिए को बाहर निकालेंगे। अब ये तीन फंदे बचे हैं, फिर क्रोशिए के हुक में इस ऊन को फंसाएंगे, फिर दो फंदे बाहर निकालेंगे, फिर फंसाएंगे, फिर दो फंदे। अब ये क्या हो रहा है, डबल, पहले मैंने सिंगल बताया था नीचे, अब ये ऊपर डबल डबल क्रोशिया, एक बार हुक में फंसा के इसमें क्रोशिया डालेंगे, फिर हुक में फंसा के बाहर निकाल लेंगे, फिर दोबारा फंसाएंगे, पहले दो निकालेंगे फंदे, फिर दोबारा फंसाएंगे और फिर दो फंदे निकालेंगे। अब ये लास्ट बार है, देखिए ये एक लास्ट में हमारा हमेशा एक ही बचेगा और एक ही बचना चाहिए। इसको उनको फंसाया, इसमें डाला, फिर फंसाया, देखिए तीन बचे, अब दो फंदे बाहर निकाले, फिर दो फंदे बाहर निकाले। देखिए ठीक है, अब इसको पलट लेंगे ऐसे, ये ऊन आगे की तरफ होती है, फिर इसको पीछे की ओर लाना होता है। अब देखिए अब ये हमारी ऊपर जो है ये चैने हैं, देखिए ये हमारी क्या है, चैन है। अब मैं यहाँ पे बताऊँगी कि हाफ क्रोशिया कैसे बनता है। अब मैंने नीचे सिंगल बताया, ऊपर डबल, अब इसके ऊपर हाफ क्रोशिया कैसे बनता है। अब ये भी दोस्तों बिल्कुल सीधा है, हाफ क्रोशिया में भी कुछ नहीं करना होता। देखिए दो की चैन लेंगे, इसको पीछे की तरफ करेंगे, इसकी बगल वाली जो चैन है, बगल वाली जो चैन होती है ना, ये वाली, इसमें क्रोशिए को डालेंगे, फिर राउंड करेंगे, ये बाहर निकाल दिए, अब ये तीन बचे हैं, फिर दोबारा करेंगे और ये तीनों बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब मैं दोबारा फिर बताती हूँ आपको, ऊन को हुक में फंसाया, हुक में फंसाने के बाद ये जो बगल वाली चैन है इसमें क्रोशिए को डाला, ऊन को फंसाया, एक फंदा बाहर निकाला,
ठीक है, अब ये 3 बज गए, अब हमको यहाँ तीनों ही बाहर निकालने होते हैं। ये देखिए, पहले हम डबल में दो दो फंदे निकाल रहे थे, ठीक है, इसमें हमने पहले एक निकाला फिर दो निकाले, अब इसमें हमें तीनों ही एक साथ निकालने हैं, तीनों ही एक साथ निकालने हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हाफ क्रोशिया हो गया। देखिए इसको ऐसे घुमाया, क्रोशिया डाला, फिर ओके में इसको फंसाया ऊन को, फिर ये बाहर निकाल लिया। अब ये 3 बचे हैं, अब हाफ क्रोशिया में तीनों को बाहर निकाल लेंगे। देखिए देखिए, ये 3 बचे, तीनों को बाहर निकाल। अभी नीचे सिंगल, ऊपर डबल, उसके ऊपर हाफ, ये तीनों मैंने आपको बता दिए हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप मेरे से पूछ सकते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आया है, दोबारा बताइए, तो हम इसे फिर से दोबारा बता देंगे आपको। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो यूट्यूब चैनल पे जाकर इसे लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन पे जाकर इसे सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।